बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और कल देश की वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं और ये सरकार का अंतरिम बजट है। इस आने वाले अंतरिम बजट से आम लोगों को क्या उम्मीद है, क्या उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी या क्या फायदे होंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा। पंकज जी, जिस तरीके से सरकार का ये अंतरिम बजट है और कल देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो आम लोगों को होती है, तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आप चल रहे हैं बतौर टैक्स एक्सपर्ट? देखिए, जो आम लोगों की जो उम्मीदें हैं इस बार बजट में कि उनका जो मैक्सिमम अमाउंट है जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है उसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो इनकम टैक्स स्लैब की हम बात कर रहे हैं, तो न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम दो रिजीम इन्होंने बना रखे हैं अभी तो, और इस बार से न्यू रिजीम इज अ डिफॉल्ट रिजीम, तो जो लिमिट न्यू रिजीम की 3 लाख की है, तो इस बार जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो चाह रहे हैं यार इसको 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में कहीं गवर्नमेंट स्टैंड करेगी, क्योंकि ये इस बार का इंटरिम बजट है तो थोड़ा सा बेनिफिट जरूर उनको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आप आगे देखोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी लोग काफी एक्सपेक्टेड है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और जो जिस हिसाब से इनकम अर्न कर रहा है आप इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो आप इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब आपने बनाया हुआ है और उस हिसाब से आप टैक्स चार्ज कर रहे हो लोगों से। सिमिलरली लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप एक स्लैब बना दो, क्योंकि जिसकी जितनी इनकम है उसको इस हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सिमिलरली आप देखो तो फिर रिबेट पे भी लोग कह रहे हैं कुछ रिबेट मिल जाए टैक्स का, उसका बेनिफिट उनको मिल जाए तो वो भी करेंगे। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो इनकम इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में है जो काफी दिनों से 2 लाख रुपए का। पंकज जी, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला कि ये नारी शक्ति के पर्व का है, तो क्या नारी शक्ति को भी खास तोहफा देने वाली अंतरिम बजट में सरकार? देखिए, नारी शक्ति वाली बात मैं कहूं तो आप डेफिनेटली ये कहूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स रिकवरी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से जो बेसिक नीड है, जो नारी शक्ति की जो बेसिक नीड है, जैसे कि उन्हें परचेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, सोच रही है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं टैक्स रेट में कुछ बेनिफिट उनको मिलेगा, जीएसटी का रेट कहीं कम करें जो उनकी बेसिक चीजें हैं, तो इसलिए वहां फिर बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। आगे फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगर मान लो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का लिमिट कई सालों से 2 लाख रुपए पे अटका हुआ है, अगर उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं तो डेफिनेटली जो नारी शक्ति है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा खर्चा करने के लिए। पंकज जी, जिस तरीके से न्यू इंडिया की बात भी है तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको अपना फ्यूचर बनाना है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में क्या उम्मीद है कि क्या कुछ खास तोहफा बतौर सरकार देने वाली है? देखिए, पढ़ने के लिए जरूरी है, हायर एजुकेशन के लिए जरूरी है कि आपके पास में पैसा हो एक स्कूल की फीस पे करने के लिए, तो वहां पे जैसे लोग सोच रहे हैं कि जी एक तो हम रेगुलर फीस के लिए जो पेमेंट करते हैं उसका मुझे इंडिपेंडेंट सेक्शन मिले, और जितना मैं पे करता हूं लिविंग कॉस्ट के साथ और ट्यूशन फीस के साथ मुझे सबका एक्चुअल डिडक्शन मिलना चाहिए। वहां पे भी आप देखोगे एटीसी में तो 1.5 लाख का एग्जम्पशन पिछले कई सालों से चलता जा रहा है, लेकिन और एक एटीई का एक डिडक्शन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द एजुकेशन ये दे रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि अगर हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और हायर स्टडीज कर रहे हैं, हमारे जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है एक्चुअल कॉस्ट, आप उसका हमें एडहॉक एक डिफरेंट सेक्शन बना दीजिए, उसमें आप हमें पूरा छूट दीजिए। तो पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि सैलरीड जो है वो सबसे ज्यादा नजर गड़ा के रखता है बजट पे कि उसके लिए क्या खास होने वाला है, क्योंकि उनका जो पूरा बजट है वो आने वाले जो बजट है उस पर डिपेंड करता है कि क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, एफएमसीजी हो या फिर किसानों के लिए हो, तो सैलरीड को क्या मिलने वाला है और इन सेक्टर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं? देखिए, जो सैलरीड एम्प्लॉई है डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि जो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस थोड़ा कम हो, उनके पॉकेट में पैसा ज्यादा बचे, सो दैट कि वो अपने लिए कुछ बढ़िया कर सकें। डेफिनेटली इकोनॉमी में मूवमेंट होगा, अगर किसी के पॉकेट में पैसा ज्यादा है और वो रूट कर रहा है तो दिस विल इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और इसके ये इम्पैक्ट करता है जीडीपी को एक तो, और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जितने नवयुवक हैं उनके लिए बार बार कह रही है कि आप स्टार्टअप्स को फॉलोअप करें, स्टार्टअप्स को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। अभी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स में उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 43
मंत्री बीएच, उसमें उन्होंने कहा है कि जितने एमएसएमई हैं उनको विद इन अ 45 डेज इन एनी सर्कमस्टांसेस पैसे उनको मिल जाने चाहिए। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्री का भी आपने नाम लिया, तो ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हम कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा कंट्री को, पॉल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो इसको प्रोत्साहन देना है गवर्नमेंट को कि क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों से ऑटो सेक्टर में भी बढ़िया गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देगी सो दैट कि इस इंडस्ट्री में बूम आए। इंडस्ट्री में बूम आएगा तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट आपका खत्म होगा, नए लोग आएंगे, नव युवकों को जॉब मिलेगा। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है और वो मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों पे इस बार जरूर बजट में सोचा जाएगा। बस एक आखिरी सवाल है, अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहें तो बजट किस तरीके के आने की उम्मीद है, क्योंकि कल तो पेश हो ही जाएगा, तो किस तरीके की उम्मीद है जो लोगों के लिए खुशियां लेके आएगा? देखिए, एक आम आदमी यही सोचता है कि उसके पॉकेट में कुछ पैसे बच जाएं, राइट? कोई भी बजट आया उनके दिमाग में यही होता है कि इस बार के बजट में जरूर हमारे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो यही है कि देखिए, मैं सोच रहा हूँ इस बार इंटरिम बजट भी है, इस साल लोकसभा का चुनाव भी है, तो इसका जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे मिडिल क्लास लोगों को 100% मिलेगा। यानी कि आप मान रहे हैं कि ये चुनावी बजट भी है और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, तो बड़े तोहफे मिल सकते हैं जनता को? सर, बड़े तोहफे की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नीड है, जो जनता की नीड है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इस चीज को ऑलरेडी एनालिसिस कर रही है कि जी जहां पे मीडियम क्लास लोगों को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए, थोड़ा डिडक्शंस में छूट मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे बेनिफिट मिलना चाहिए, इन सब चीजों पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ रियायत जरूर मिलेगा। और जो रिजीम की बात है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, तो जहां पर न्यू रिजीम में कुछ डिडक्शन के कुछ प्रोविजंस आएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा तो न्यू रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ये इनकॉर्पोरेट किया था इन्होंने, तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि जो डिडक्शन है वो कुछ इनकॉर्पोरेट करेंगे न्यू रिजीम के साथ। तो आपने देखा कि टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा बता रहे हैं कि जो बजट है सरकार से उम्मीद है कि वो लोगों को राहत देने वाला होगा, और आम जनता की बात करें तो उनके पॉकेट में पैसा बचेगा। तो अब ये कल साफ हो जाएगा कि सरकार अपने अंतरिम बजट को किस तरीके से पेश कर रही है और क्या बड़ा तोहफा जनता के लिए आने वाला है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।